दोस्तों वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं अक्सर देखने को मिल जाती हैं, पर उन हजार वीडियोस को देखने के बाद भी अब भी कई ऐसे नेचुरल विजुअल्स हैं जिनसे आप आज भी अनजान हैं। तो आज हम उन्हीं वीडियोस को आप तक लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों हम आपको कनाडा के क्वेबेक की एक दिल दहला देने वाली घटना दिखाते हैं। इस क्लिप में आप इस आदमी को सामने वाले लॉज में जाते देख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है लॉज के पास पड़े एक पाइन ट्री पर बिजली गिरती है, जिससे पहले तो सिर्फ उसकी छाल और टहनियां टूट कर गिरती हैं, लेकिन तभी ऊपर से पेड़ का भारी भरकम हिस्सा लॉज की छत को तोड़ता हुआ नीचे गिरता है। इस घटना के बाद उस आदमी को बाहर झांकते हुए देखा जा सकता है जो इस अनहोनी से कुछ ही सेकंड्स पहले बाल बाल बच गया। इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति इस घटना को देखकर बिल्कुल सन्न रह जाता है। इस घटना में किसी को भी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन अगर वो आदमी अंदर जाने में थोड़ी भी देर और करता तो कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों एक कंटेंट क्रिएटर का खराब मेकअप ट्यूटोरियल यूट्यूब पर वायरल हो गया। अली जे नाम की यूट्यूबर ने भूकंप के अगले ही दिन यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जो उन्होंने 5 जुलाई यानी भूकंप वाले दिन रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर्स को लिपस्टिक लगाना सिखा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने लिपस्टिक लगाई तभी भूकंप आ गया और लिपस्टिक पूरे गाल पर फैल गई, जिससे उनका पूरा चेहरा बैटमैन के जोकर जैसा लगने लगा। वीडियो में इनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स को उनके एक्सप्रेशंस और इतनी जबरदस्त टाइमिंग पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इस वीडियो का खूब मजाक बनाया और उनके मुताबिक इस वीडियो को अर्थक्वेक सिमुलेटर पर रिकॉर्ड किया गया था। वैसे दोस्तों क्या आप इस वीडियो को रियल मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार 5 जुलाई 2019 को अमेरिका में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। यह झटके इतने तेज थे कि कैलिफोर्निया की कुछ सड़कों पर गहरी दरारें तक पड़ गई। इतना ही नहीं, ये भूकंप 2 वीडियोस में कैद भी हुआ। गेमर श्राउड को तो हम सभी जानते हैं जो कि एक ऑनलाइन गेमर है, पर क्या आप जानते हैं वो उस समय ऑनलाइन गेमिंग कर रहे थे जब भूकंप आया, और उसके बाद वो अपने कैमरे को फुल स्क्रीन पर स्विच कर दिया। उनकी पूरी डेस्क को तेजी से हिलते हुए देखा जा सकता है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा हिमालय की इतिहास में सबसे भयानक त्रासदी थी, जिसे चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता। इस हादसे से पहले पूरे उत्तराखंड में 3 दिन से भयानक बारिश हो रही थी। 16 जून को जब केदारनाथ में पूजा की तैयारियां चल रही थी तभी यहां मूसलाधार बारिश होने लगती है और कुछ ही मिनटों में केदारनाथ मंदिर का पूरा परिसर पानी में लबालब भर जाता है। प्रकृति ने अपना ऐसा कहर बरपाया कि उसके आगे अनेक जिंदगियां तबाह हो गईं। भगवान शिव की ये मूर्ति उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित है। 2013 में जब यहां बाढ़ आई तब करीब 15 फीट ऊंची ये मूर्ति गले तक पानी में डूब गई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि केदारनाथ मंदिर इसलिए बच गया क्योंकि यहां मंदाकिनी की पूर्वी और पश्चिमी पथ के बीच की जगह पर बहुत साल पहले ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई एक भारी चट्टान के आगे बनाया गया था, जिसने कीचड़ पत्थर पानी आदि के वेग से मंदिर को बचाए रखा, जबकि मंदिर के आसपास मौजूद सब कुछ तबाह हो गया था। जरा सोचिए कि क्या हो अगर कोई प्लेन आपकी आंखों के सामने क्रैश हो जाए। जरूर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ठीक ऐसा ही ताइवान के कुछ लोगों के साथ हुआ जब एक ऐसा ही हादसा उनकी आंखों के सामने हुआ और उनकी कार के डैश कैम में कैद हो गया। ट्रांस एशिया एयरवेज के इस प्लेन में 58 यात्री सवार थे। ताइपे से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ये तेजी से एक तरफ झुक गया, जिसके बाद ये एक पुल की तरफ गिरने लगा और वहां जा रही गाड़ी और पुल से टकरा कर तिलंग नदी में जा गिरा। उस वक्त ये दिल दहलाने वाला दृश्य पुल से गुजर रहे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कारों के डैश कैम में कैद हुआ। दोस्तों आपको बता दूं विमान में सवार अधिकतर लोग चाइना के निवासी थे और इस घटना में कुल 23 लोगों की जान चली गई थी।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।